राजधानी भोपाल के इब्राहिमगंज को जिला प्रशासन ने आज से 19 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस दौरान क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए लिया है। लॉकडाउन का पालन हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज से अगस्त तक आसमान में नजर आएगा हजार साल में एक बार दिखने वाला धूमकेतु। हजार साल में एक बार दिखने वाला धूमकेतु आज से आसमान में दिखाई देगा। धरती के उत्तरी गोलार्ध पर रहने वाले लोग इसे देख सकेंगे, यानी भारत के लोग भी इसको देख पाएंगे। मार्च के महीनों में नासा के कैमरों में एक अजीब घटना कैद की गई। यह धरती से 200 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित एक धूमकेतु था। काफी दूर होने के चलते साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि ये स्पष्ट दिखेगा भी या नहीं। आज से 26 जुलाई के बीच एतिहाद एयरवेज भारत के 6 शहरों में चलाएगी फ्लाइट्स। एतिहाद एयरवेज ने कहा कि वो भारत के 6 शहरों में अबू धाबी के लिए कुछ विशेष फ्लाइट्स चलाएगी। ये फ्लाइट्स आज से 26 जुलाई के बीच चलाई जाएंगी। इन फ्लाइट्स में उन सभी यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी जिनको यूएई में प्रवेश की अनुमति होगी या फिर वो यूएई के नागरिक हैं। भारत से यूएई जाने के लिए आज से 26 जुलाई तक टिकट बुक करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई के लिए टिकट बुकिंग शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि आज से लेकर 26 जुलाई के बीच टिकट बुकिंग होगी। एयरलाइंस कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कंपनी ने ट्वीट किया कि फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग के लिए खुल चुकी हैं। हिमाचल में आज से लगातार भारी बारिश, अंधड़ की चेतावनी। हिमाचल की राजधानी शिमला में शनिवार शाम को बादल झमाझम बरसे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, मैदानी जिलों में धूप खिली रही। प्रदेश में आज से लगातार पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। गुटों में बटी कांग्रेस में फिर लंच डिप्लोमेसी, अब वीरभद्र ने बुलाए एक दर्जन नेता। प्रदेश कांग्रेस में लंच डिप्लोमेसी का दौर थम नहीं रहा है। पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने लंच के लिए कुछ नेताओं को गुपचुप बुलाया और अब आज शिमला के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने निजी आवास हॉली लॉज में लंच रखा है। इसमें एक दर्जन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। कौल सिंह के लंच और मंडी से जारी पत्र बम के बाद मचे बवाल पर कुछ लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पर क्रेडिट वॉर, गौतम गंभीर ने केजरीवाल को बताया तुगलक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण में बढ़ते ग्राफ के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली सांसद सीट से केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुगलक बताते हुए कहा कि उन्होंने टीवी पर कहा था कि वे क्रेडिट की परवाह नहीं करते, यह ऑस्कर के योग्य प्रदर्शन था। गंभीर ने कहा कि इसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सुधरे हालात की क्रेडिट लेने के लिए हर घंटे ट्वीट किया। गंभीर ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी हमला बोला। पीएम मोदी बोले, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर कोरोना से लड़े दूसरे राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना वायरस को लेकर हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना महामारी से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भी दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही कोरोना के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की बैठ भारत पाक बॉर्डर पर कर सकती है आतंकियों की मदद, इंडियन आर्मी अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया रिपोर्ट के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भिम्बर गली और नौशेरा सेक्टर में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और इसकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की बैठ बॉर्डर एक्शन टीम मदद कर सकती है। एमपी में आज मंत्रियों के विभागों का होगा बंटवारा, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वे अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कल यानी रविवार को करेंगे। मंत्रियों को शपथ लेने के 9 दिन बाद भी विभाग आवंटन न होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में चौहान ने मुस्कुराते हुए संवाददाताओं को यहाँ कहा कि वो मेरा काम है, अच्छा आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूँ कल कर दूँगा।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।